के कोर्ट द्वार की, जहां पर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम सभागार में बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने किया। विधानसभा अध्यक्ष ने शिविर में अधिकारियों को तुरंत ही समस्याओं के निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्रवासियों से शिविर का पूरा लाभ लेने का आह्वान किया है। शिविर में स्वास्थ्य विभाग ने दिव्यांगजनों के दिव्यांग सर्टिफिकेट भी बनाए हैं। वहीं शिविर में ऋतु खंडूरी भूषण ने प्रदेश सरकार और जानकारी दी है। कोर्ट द्वार से राजेंद्र खंतवाल की रिपोर्ट। द्वार में हमने बहुउद्देश्यीय शिविर लगाया है। लोगों की समस्याएं, छोटी से बड़ी समस्याएं, चाहे वो समाज कल्याण की हो, कृषि की हो, चाहे वो सिंचाई की हो, पीडब्ल्यूडी की हो, एसडीएम साहब की अध्यक्षता में यहाँ पर वो पूरा आज दिन भर ये चलेगा और जिस जिसको जो भी समस्या है उसका निस्तारण होगा। आपदा को लेकर भी लोगों के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लोग पूछना चाह रहे हैं और सारे अफसर यहाँ बैठे हुए हैं, सारे विभाग, चाहे वो कृषि हो, पीडब्ल्यूडी हो, अस्पताल के डॉक्टर हो, सारे के पानी का हो, सभी यहाँ पर बैठे हैं, पुलिस वाले यहाँ बैठे हुए हैं। हमें जिसकी समस्या हो ये इसीलिए लगाए कि यहाँ पर लोगों का समस्याओं को निस्तारण हो सके। किस समय तक ये शिविर लगने की संभावना, शाम तक? जब तक लोग रहेंगे, जब तक लोग आएंगे, जब तक आते रहेंगे, तब तक लोगों का निस्तारण होता रहेगा।